हाय फ्रेंड्स, अमी शोमन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चक्रवर्ती बर्ड फार्म। सो फ्रेंड्स, आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ मेरा जो छोटा बर्ड का सेटअप। मैंने सभी बर्ड को पेयर को सब जोड़ी में लगाया था और जोड़ी लगाने के बाद उसको नेस्ट बॉक्स लगाया हूँ। अभी उसका प्रोग्रेस नहीं आया तो नेस्ट बॉक्स मैं दो दिन हुआ है इसका नेस्ट बॉक्स मैं दिया हूँ। और नेस्ट बॉक्स देने के बाद जो मेरा सेटअप का जो नज़ारा वो आप लोगों के साथ सोचा थोड़ा शेयर कर दूँ। चलिए फ्रेंड्स, सेटअप के अंदर जाते हैं और उसका कुछ नज़ारा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, सेटअप के अंदर जाता हूँ और फाइनली फ्रेंड्स हम सेटअप के अंदर चले आए। और फ्रेंड्स, फाइनली मैं ये जो छोटा बर्ड था मेरा, जो फिंच बर्ड था, यहाँ पे जो बंगाली सोसाइटी फिंच है, ये लोगों को सबको मैंने ब्रीडिंग के लिए बिठा दिया और नेस्ट बॉक्स भी मैं लगा दिया। तो उसका ही कुछ नज़ारा आज आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। ये देखिए मेरा सभी जो बंगाली सोसाइटी फिंच, सबको मैंने नेस्ट बॉक्स लगा दिया और सभी बर्ड एकदम ब्रीडिंग के लिए तैयार हो गया। सभी बॉक्स ने नेस्ट बॉक्स लेना भी शुरू कर दिया सभी बर्ड ने। और ब्रीडिंग का जो खाना, जो सॉफ्ट फूड है, वो भी हम लोग स्टार्टिंग कर दिया हूँ। और ब्रीडिंग का जो सॉफ्ट फूड वो भी आज प्रोवाइड कर दिया हूँ सभी बर्ड को, मैंने सॉफ्ट फूड दे दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगा ये छोटा बर्ड का जो सॉफ्ट फूड कैसे बनवाते हैं। और नज़ारा कुछ बहुत अच्छा है। और फ्रेंड्स, इस साइड में भी जो मैंने बंगाली सोसाइटी फिंच है वो लोगों को भी मैंने नेस्ट बॉक्स लगा दिया। और यहाँ पे जो आउल फिंचेस है, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आउल फिंच है, ये लोगों को मैंने टुकड़ी दिया हूँ क्योंकि ये लोग टुकड़ी में ब्रीड करना बहुत पसंद करते हैं। और इसको मैंने बंगाली सोसाइटी फिंच के साथ जो फॉस्टरिंग करना है, मेरे घर में चार जोड़ी आउल था तो यहाँ से तीन जोड़ी मुझको मिला है और एक सिंगल है आउल। वो लगता है ये जो सिंगल बर्ड है फीमेल है। और फ्रेंड्स, इधर पे जो गोल्डियन है, ये लोगों को भी हमने टुकड़ी लगा दिया। धूप के वजह से पिक्चर क्लीन नहीं आ रहा है, फिर भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए ऊपर का जो स्टार फिंच है, और गोल्डियन ने भी टुकड़ी लेना सब शुरू कर दिया। और ये लोगों को भी मैंने सॉफ्ट खाना देना शुरू कर दिया हूँ। और यहाँ पे जो गोल्डियन है, बहुत अच्छा मूवमेंट लग रहा है मुझको, गोल्डियन का जो मूवमेंट बहुत अच्छा है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत इंजॉय करके ये लोग सॉफ्ट फूड खा रहा है। और नीचे में भी देखिए, क्योंकि फ्रेंड्स यही एक चीज़ है, मेरा जो बंगाली सोसाइटी फिंच है वो बहुत कम है और गोल्डियन मेरे पास तकरीबन पांच जोड़ी के आसपास है। तो सभी बर्ड को तो हम फॉस्टरिंग के लिए लगा नहीं सकते। और मेरा कोशिश है दो जोड़ी जो गोल्डियन फिंच है, ये फिंच को हम उसके अंडा बच्चा उसके ही देके हम करेंगे। उसको हम दो जोड़ी गोल्डियन फिंच का जो अंडा होगा वो हम फॉस्टरिंग के लिए नहीं बिठाएंगे, खुद वही अपना हैचिंग करके बच्चा तैयार करेंगे। देखता हूँ क्या होता है, वो भी नज़ारा आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर हम शेयर करेंगे। तो फिर से ये जो बंगाली सोसाइटी फिंच है, ये लोगों को मैंने नेस्ट बॉक्स दिया हूँ
क्योंकि ये जो बंगाली सोसाइटी फिंच है, लोगों को नेस्ट बॉक्स दिया हूँ, क्योंकि बाहर से ही अंडा को हम लोग फॉस्टरिंग के लिए दे सकते हैं और इसमें काम करने में भी आसानी होगा। देखिए नज़ारा आप लोगों को कैसा लगता है, और शायद लगता है जल्दी आप लोगों के साथ इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा, वो जब चिक्स आएंगे वो भी आप लोगों के साथ हम ज़रूर शेयर करेंगे। और इधर से दो चार बंगाली सोसाइटी जो फिंच है उसने भी अंडा ले किया है, देखने को मिल रहा है। तो देखा जाए नज़ारा आप लोगों को कैसा लगता है। और सभी आदमी का कहना है नेस्ट बॉक्स में ये बंगाली सोसाइटी फिंच या गोल्डियन फिंच अच्छा ब्रीडिंग नहीं होगा, तो देखता हूँ कोशिश करने के बाद क्या रिज़ल्ट आता है। और पूरा फार्म का जो नज़ारा वो भी प्लेस बहुत छोटा है, तो कैमरा से पूरा कवर नहीं हो रहा है। तो तकरीबन मेरे पास जो बंगाली सोसाइटी है फ्रिंच है वो 20 से 30 जोड़ी फ्रिंच है, और मेरा जो गोल्डियन फ्रिंच है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं सभी बर्ड का तो अंडा यहाँ पे फॉस्टरिंग नहीं कर पाएंगे। तो ये लोगों को खुद इसका अंडा बच्चा के लिए हम सेल फीड में बिठाएंगे बर्ड। तो गोल्डियन का सेल फीड मैं बहुत दिन से गोल्डियन करना छोड़ दिया था, फिर भी सेल फीड के लिए मेरा सोच में है, और नेक्स्ट ईयर में मैं सोच के भी रखा हूँ मैं सेल फीड ही करूँगा, कि उनकी ये बंगाली सोसाइटी जो फ्रिंज है ये लोग प्रोटोजोआ इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए मैं ये लोगों को रखना पसंद नहीं करता। और फ्रेंड्स इस साइड का भी जो नज़ारा है, यहाँ पे भी कुछ बंगाली सोसाइटी जो नेस्ट बॉक्स लगा हुआ है, सभी ये बंगाली सोसाइटी फिंच है, और मैंने गोल्डियन को टुकड़ी में ही लगाया हूँ, क्योंकि ये लोग टुकड़ी में बहुत अच्छा ब्रीड करते हैं और टुकड़ी बहुत पसंद करते हैं, और घर का जो वेंटिलेशन है वो बहुत अच्छा है, फिर भी टुकड़ी में इसको बाहर का जो इन्वायरमेंटल जो हवा वो भी बहुत अच्छा आएगा, और टुकड़ी में ये लोग बहुत आसानी से शांत से रहेंगे। ये तो ऑस्ट्रेलियन बर्ड है, इसको ज़्यादा गर्मी पसंद नहीं है। बहुत सारा आदमी कहता है जो गोल्डियन फिंच है ये लोगों को गर्म बहुत सनलाइट में रखना होता है और घर बहुत गर्म रखते। देखिए मेरा एकदम जो सेटअप है ये एकदम ओपन ही है, मैं सभी खोल के रखा हूँ, एक साइड तो मेरा पूरा खुला ही है, उसका पूरा नज़ारा आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और फ्रेंड्स ज़्यादा कॉन्जेस्टेड करके अगर ये छोटा बर्ड आप लोग करना चाहेंगे तो ब्रीडिंग में भी आप लोगों को प्रॉब्लम होगा, और प्रोटोजोआ इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो सकता है, इसलिए प्रोटोजोआ को कम करने के लिए बर्ड को जब भी आप छोटा बर्ड कीजिए, ज़्यादा कंजस्टेड मत कीजिए। और एक चीज़ बहुत अच्छा, सनलाइट इसको आना चाहिए। और ये देखिए फ्रेंड्स मैं ऊपर का जो हिस्सा था वो भी मैंने खोल दिया हूँ, क्योंकि अभी ब्रीडिंग टाइम है, इसको सनलाइट बहुत ज़रूरत है, और सनलाइट से बर्ड को विटामिन D3 बहुत ज़्यादा मिलता है, और ये विटामिन D3 के लिए ये सनलाइट का बहुत ज़रूरत है। मौसम बहुत ख़राब है, फिर भी कभी कभी बारिश हो रहा है, और बारिश के सीजन में ये लोगों को जब भी वेदर ख़राब हो तो थोड़ा बारिश होता है, थोड़ा वेदर ठीक होता है, इसलिए इसको सनलाइट बहुत आसानी से मिल जाता है। यही जो सनलाइट है बर्ड के बहुत हेल्थ का बहुत अच्छा ख्याल रखता है, और बर्ड भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। देखिए बर्ड का हेल्थ, और बर्ड एक भी बर्ड अनफिट नहीं है, बर्ड एकदम फिट है। तो आप लोगों को मेहरबानी, और मेरे कोशिश के बगैर अगर नेक्स्ट टाइम ब्रीडिंग अगर अच्छा हो तो चिक्स भी आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे इस साल में। तो देखिए नज़ारा, देखिए ये जो बंगाली सोसाइटी फिंच है ये लोगों को मैंने नेस्ट बॉक्स लगाया है,
इसमें आसानी एक ही चीज़ है, फॉस्टरिंग के लिए जब आप हम अंडा को इसको फॉस्टरिंग करेंगे, ये देखिए बहुत आसान होगा क्योंकि ये ऐसे ही बाहर से खुल जाता है और इसमें अंडा फॉस्टरिंग करने के लिए बहुत अच्छा होगा क्योंकि इतना सारा बर्ड को देखभाल करने के लिए भी मेरा, मैं तो बोला फ्रेंड्स मैं काम काज में बिज़ी रहता हूँ, फिर भी जो वक्त मिलता है वो बर्ड के साथ ही कटाना पसंद करता हूँ, थोड़ा जो समय मिलता है वो यही लोगों के साथ मेरा बीत जाता है। तो इसलिए फ्रेंड्स ये लोगों को हम फॉस्टरिंग के लिए नेस्ट बॉक्स ही मैंने चूज़ किया है। तो बाहर में भी सभी फ्रेंड्स, बाहर का भी जो ब्रीडर है वो नेस्ट बॉक्स में ही ब्रीड करते हैं। तो कलकत्ता का बहुत आदमी, बहुत ब्रीडर हमको कहा है नेस्ट बॉक्स में ब्रीडिंग नहीं होगा, इसको ज़्यादा वेंटिलेशन नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स ये जो वेंटिलेशन के लिए नेस्ट बॉक्स को मैंने ड्रिल करके 3 होल बना दिया हूँ क्योंकि इसका जो वेंटिलेशन है ऊपर से आए और वेंटिलेशन आसानी से इसके अंदर जो हवा है वो खेल सके और इसको ये लोगों को कुछ परेशानी ना हो। तो देखिए फ्रेंड्स सभी नेस्ट बॉक्स को मैंने होल कर दिया हूँ क्योंकि ये लोगों को कुछ परेशानी ना हो और वेंटिलेशन ये लोगों को बहुत अच्छा मिले। तो पूरा फार्म का जो नज़ारा कैसा लग रहा है ज़रूर आप मुझको बताना। और फ्रेंड्स ये छोटा बर्ड का जो मेरा सेटअप है वो नेस्ट बॉक्स लगाने के बाद आप लोगों को कैसा लगा और उसका कुछ नज़ारा आप लोगों के साथ मैं वीडियो बना के पेश किया हूँ, तो उसका कुछ कैसा लगा आप लोगों को मेरा जो छोटा बर्ड का सेटअप, ये ज़रूर मुझे कमेंट में बताना और अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर करना मत भूलना और चैनल के साथ बने रहना फ्रेंड्स। टाटा बाय बाय फ्रेंड्स।